बात करेंगे पीएनजी T20 जो खेला जाएगा लगातार, ये सीरीज अच्छा जा रहा है। MAR वर्सेस BLB के बीच मुकाबला खेला जाएगा। तो मेरे भाई सेम टीम दिया जाता है, वीडियो टीम के जरिए ही खेला जा रहा है, लगातार अच्छा जा रहा है। एक दो एक्सपेरिमेंट जो मैं वीडियो बताऊंगा उनके जरिए करोगे और भी ज़्यादा बढ़िया जा सकता है। तो मेरे भाई उम्मीद करेंगे यह मुकाबला भी हम लोगों के लिए प्रॉफिटेबल जाए। इनके अलावा जापान T10 8 बजे वाला हमारा फोकस होगा की कोशिश कि मैं इनको कवर करूँ। तो मेरे भाई अगर यदि आप इस मुकाबले को हमारे साथ खेलना चाहते हैं और फिर से कुछ प्रॉफिट हमेशा की तरह करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहां पर मिलेगा आपको फाइनल टीम जिस टीम से मैं खुद खेलता हूं। इनके अलावा GL का टीम, पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11, यानी कि बेहतर से बेहतर शानदार से शानदार टीम बनाने में जितने चीज़ों की आवश्यकता होती है मेरे भाई सारा कुछ टेलीग्राम पर ही देना संभव है। तो आपको ज्वाइन करना किस प्रकार है जी हाँ मेरे भाई, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या फिर फर्स्ट कमेंट जो होता है वहाँ पर लिंक होगा ब्लू कलर में सौरभ सामाजिक 84, उसी पे क्लिक यानी टच करोगे सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल 54.7 के सब्सक्राइबर वाले पे आओगे, बिल्कुल फ्री का फायदा उठाकर ले जाओगे। तो मेरे भाई यहाँ से देखोगे तो MAR की टीम यहाँ पर जो लास्ट मुकाबला अपना खेले, इनका गेंदबाज देखो प्रॉपर कौन कौन से बेस्ट है। पहले तो G-Toka, S-Kima, M-Charlie, A-Bala, Z-Kariko। अब यहाँ पर देखोगे 5 के 5 गेंदबाज को पिक करना ही होगा, बाकी कोई बल्लेबाज नहीं। जो बल्लेबाज है D-Toka तो गेंदबाजी पे आ गया है, A-Bala वो भी गेंदबाजी पे आ गया है, बाकी अब एक विकेट कीपर इनका है हेरिया की बात की जाए तो ये ठीक ठाक कर रहे थे, ये विकेट कीपर में आ जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इनके अलावा दोस्तों BLB की टीम देखा जाए 72 रनों के अंदर सामने वाली टीम को ऑल आउट किया तो खुद 57 पे ऑल आउट हो गया। चलिए K-Morey यहाँ से इम्पोर्टेंट रहेगा, पहले गेंदबाजी में ज़्यादा इम्पोर्टेंट। N-Bhanwa भी पहले गेंदबाजी में, N-Bhanwa देखा जाए गेंदबाजी में लेकिन हाई एक प्रॉपर ऑलराउंडर मैं बार बार करता हूँ। D-Iga की बात की इनको GL पे ट्राई करना, बाकी S-Bau यहाँ से इम्पोर्टेंट रहेगा लेकिन इनका ओवर फिक्स नहीं रहता कितना ओवर करेगा, हालांकि ओपन भी आता है। O-Puka, P-Nau दोनों जबरदस्त कर रहा है, ज़्यादातर इनको मौका है तो डोमेस्टिक प्लेयर लेकिन प्रदर्शन तो इंटरनेशनल प्लेयर की तरह कर रहा है। बल्लेबाजी में देखो बल्लेबाजी में किन्हीं को पिक नहीं करना, सिर्फ गेंदबाज लेना, वही बल्लेबाजी करेगा गेंदबाजी करेगा जो करेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं और दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। आप चलिए सीधे चलते हैं जो इम्पोर्टेंट है कॉम्बिनेशन उनके ऊपर बात करेंगे। लेकिन मेरे भाई इससे पहले अगर यदि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर अपडेट आपको मिलता है। इनके अलावा कोई जानकारी लेना हो इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पर सारे लोग का रिप्लाई भी देता हूँ, वो भी बेहतर तरीका से। एक टीम मैं ऑलरेडी बना के रखा हूँ लेकिन इस मैच में एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है देखो, पहला तो विकेट कीपर आप D-Rupa या किलापत के ऊपर जा सकते, दोनों में किसी एक के साथ मुझे बेस्ट लगा ये तो मैं इनके ऊपर गया हूँ। एक बल्लेबाज पिक करना है, किन्हीं को भी पिक कर सकते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेस्ट बल्लेबाज इंटरनेशनल में T-Ura का ही नाम आता है, बाकी बल्लेबाजी ज़्यादा खास नहीं। पी जैसा है ना बहुत ज़्यादा विकटें गिर रहा है। ऑलराउंडर में देखो Asad Bhala इंपॉर्टेंट है, S-Bau भी इंपॉर्टेंट है, G-Toka भी इंपॉर्टेंट, तीनों कैप्टन, BC का भी बढ़िया चॉइस होगा। इनके अलावा O-Puka लगातार अच्छा कर रहा था, ड्रॉप नहीं कर सकते। अब यहाँ से एक यहाँ से खतरा देखोगे P-Nau, ये तो इम्पोर्टेंट है लेकिन इनको भी ड्रॉप करके रखा हूँ, लेकिन मुश्किल है हमारे पास इस वजह से। K-Morey ठीक ठाक है इंटरनेशनल प्लेयर, Z-Kariko चाहो ड्रॉप कर सकते हो, N-Bhanwa को चाहो ड्रॉप कर सकते हो। अब ये दो हो गया और एक यहाँ से हो गया P-Nau, इन तीन में से दो पिक करना होगा। बड़ा रिस्क लेना चाहते हो, ये अनुमान लगाते हो कि S-Bau इस बार गेंदबाजी ज़्यादा नहीं करेगा, जो एक बार मैंने लगाया था लोगों का कैप्टन था, हम लोगों ने VC ही दिया उसी के बल पर हम लोगों ने विन कर गया, तो ऐसा अनुमान जिनके जहन पे है तो ले सकते हो लेकिन हमें लगता है कि ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो ये तीन में से दो पिक करना है, किनके साथ जाओगे, Z-Kariko यहाँ से, N-Bhanwa हो गया, तो भाई सोचना पड़ेगा यहाँ से। तो ये तीन में से दो आपको पिक करना होगा, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप देखो कैप्टन VC का बढ़िया चॉइस, सबसे बेस्ट तो Asad Bhala होना चाहिए, बस 4 ओवर कंप्लीट ये करना चाहिए। इनके अलावा दूसरे नंबर पर आता है G-Toka, ओपन आ रहा है गेंदबाजी कर रहा है नो डाउट, कैप्टन का बढ़िया चॉइस होना चाहिए ये दोनों, कैप्टन VC। तीसरे नंबर पे आता है S-Bau, तो आप अपने अनुसार जाता है, वो तीन में से मैं जो दो बोला हूँ वो करना। देखो N-Bhanwa एक बढ़िया ऑलराउंडर है, वैसे गेंदबाज के तौर पे देखो कि Z-Kariko और P-Nau ये दो ही होना चाहिए। तो भाई फिलहाल के लिए आप अपने अनुसार देखना, GL पे एक दो रोटेट करके ट्राई करना, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा।
तो मेरे भाई फिलहाल के लिए वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको छोटी जानकारी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे पाया। इसी साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ और आप लोग थोड़ा सा खुद से भी मेहनत करना ताकि रिजल्ट बढ़िया आ सके।